हेलो दोस्तों, आज आपको ये बताने वाला हूँ पीएम किसान योजना का 14वीं किस्त सभी किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब मिलने वाला है, कब आएगा खाते में। तो दोस्तों, मैं सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पीएम किसान योजना का कब पैसे आने वाले हैं 14वीं किस्त, और जिसका भी पैसा जिसकी 12वीं किस्त या 13वीं किस्त भी रुका है वो पैसा कब मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये अपडेट है कि यहाँ पर जुलाई का मंथ चल रहा है, और जुलाई का मंथ में आपको सबसे पहले हफ्ते में जैसे कि 8 से 10 के बीच में आपके खाते में आने वाला है जो 14वीं किस्त रुका हुआ है। और जैसे कि यहाँ पर सभी किसान इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर जैसे कि 12वीं या 13वीं किस्त या 10वीं किस्त आपका रुका हुआ पैसा है, तो यहाँ पर किस कारण रुका हुआ, या तो आपका जो भी KYC पेंडिंग होगा, या तो आपका भूमि सत्यापन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भूमि सत्यापन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले भूमि सत्यापन के लिए आपको जाना होगा अपना कृषि विभाग या तो ग्राम सेवक के पास, वहाँ पर आपको भूमि के लिए अपना B1 देना होगा, या तो पर्ची का कॉपी देना है, और यहाँ पर आधार कार्ड देना है और बैंक अकाउंट देना है, वो बस सभी कॉपी करके अटैच करके आपको वहाँ पर जमा कर देना है। अगर आपका यहाँ पर कंप्लीट है, और जैसे कि KYC कंप्लीट नहीं हुआ है, तो KYC आप पीएम किसान पोर्टल में जाकर करा सकते हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप घर बैठे भी करा सकते हैं। सबसे पीएम किसान पोर्टल में जाने, पीएम किसान पोर्टल में जाने के बाद आधार नंबर डालना है KYC एक ऑप्शन पर, और वहाँ पर डालने के बाद आपको वहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करके आपको OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर लेना आसानी से, उसके बाद हो जाएगा। वहाँ पर कुछ नहीं फिल करना है, आपको वेरीफाई करना है, सबमिट कर देना है, तो KYC कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद आपको अगर ये भी नहीं आता तो आपको CC सेंटर में जाना है, CC सेंटर में आकर आ सकते हैं, जिसके इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वापस कैसे KYC कंप्लीट कराना है कैसे, ये भी आपको वापस मिल जाएगा। दूसरी ये चीज़ है पीएम किसान योजना क्या है, तो पीएम किसान योजना बहुत लोग को पता है, बहुत लोग को नहीं पता है, और जिसके पास जमीन है वो भी यहाँ पर फायदा नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर जिसके पास 5 एकड़ से कम भूमि है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको सबसे पहले जैसे कि पीएम किसान पोर्टल में जाना है, वहाँ पर नीव फार्मर रजिस्ट्रेशन करा का ऑप्शन है, वहाँ पर अपना आधार नंबर डालकर, वहाँ पर जैसे कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है तो वहाँ पर घर बैठे भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर सबको आधार नंबर डालकर आपको सेंड OTP पर क्लिक करके जैसे कि OTP आने के बाद वेरीफाई करना है, उसके ऑटोमेटिक जैसे कि आपको फोटो है, जितना भी एड्रेस है, सभी नाम डिटेल आपका आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना खसरा नंबर डालना है, बैंक अकाउंट डालना है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर सभी अपडेट करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे दोस्तों, आपको 1 से 1.5 महीने में आपका जो भी यहाँ पर वेरीफिकेशन होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पीएम किसान योजना में आपको यहाँ पर जैसे कि साल में 6,000 रुपये मिलते हैं जो किसानों में खेती किसानी के लिए, और यहाँ पर आपको किस्त में 2,000 का किस्त देते हैं, जैसे 3 किस्त में। ठीक है, तो यह 3 किस्त में मिलता है, और यहाँ पर सबको हर 4 महीने में मिलता है। तो ये है, और यहाँ पर जैसे कि सबसे बड़ी अपडेट यही है कि यहाँ पर 14वीं किस्त इंतजार कर रहे हैं सभी किसान, तो कब आने वाले, तो यही कि 8 से 10 के बीच में आपको जुलाई के जो मंथ में 8 से 10 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में